गाइस, मैं हूं ज्योति आसवाल एंड मैं आज अनबॉक्सिंग करने वाली हूं HRM कंपनी की तरफ से आने वाले 6 सेल्फ वार्डरोब को, जो कि है इसमें बंद और मैंने इसे ऑनलाइन ऑर्डर किया है। अभी मैं आपको इसे पूरा अनबॉक्स करके दिखाऊंगी, बताऊंगी इसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स है और सबसे स्पेशली कि इसे इंस्टॉल किस तरह करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है इंस्टॉल करने में, इसको सेट करने में। तो मैं आपको अच्छे से सेट करके दिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप किस तरह करना, ताकि आप लोग भी इजिली इसको सेट कर पाओ। तो चलिए पहले बॉक्स को ओपन करके देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं। सबसे पहले मिला है ये 3 पाइप्स अलग अलग साइजेस के, यहाँ पर है कनेक्टर्स और साथ ही साथ यहाँ पर है बड़ा सा कपड़ा, जो कि हम लोग को पूरा सेट करने के बाद इसको लगाना होगा। तो इसको रखते हैं साइड में। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है ये सेल्फ्स। हम लोग को यहाँ पर अंदर में 6 पीस सेल्फ्स मिले हैं, तो इन सबको रखते हूँ आप साइड में और आप लोग को अब दिखाती हूँ कि इसको कैसे सेट करना है। पहले हम लोग को इन सेल्फ्स के अंदर ये लंबे लंबे जो पाइप्स मिले हैं उसे डाल लेना होगा। यहाँ पर स्पेस बना हुआ है, इसके अंदर सिंपली हमें पाइप्स को डालना है। ये देखिए, कुछ इस तरह से एक साइड पाइप चला गया और दूसरे साइड भी सेम प्रोसेस को करना है और आपको इंसर्ट कर लेने हैं ये पाइप्स। ये पाइप तो हो गया एक में इंसर्ट, बाकी पांचों में भी हम लोग को सेम तरीके से पाइप को इंसर्ट कर लेना है। सारे लंबे पाइप्स लगाने के बाद ये 2 पाइप बच गए थे जिसे कि आप लोग को यहाँ पर लगाना होगा। उसके बाद आपको 2 मीडियम साइज के ये वाले पाइप्स लेने होंगे और उसे एक इधर और एक उधर लगाना होगा, और साथ ही साथ आपको 4 कनेक्टर्स लेने होंगे ताकि आप उन्हें इस तरह से ज्वाइंट कर सको। यहाँ पर ये वाला मैंने सेट कर लिया है, यहाँ पर देख सकते हो। ऊपर में आपको सबसे जो छोटा वाला पाइप है उसको लगाना होगा चारों तरफ। और आपको लगाते वक्त एक चीज को और ध्यान रखना है, ये जो कनेक्टर्स है इसमें एक मुंह थोड़ा लंबा रहता है, तो वही वाला ऊपर रखना होगा, अदरवाइज आपका कनेक्शन थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। और इतना करने के बाद आपको फिर से 4 कनेक्टर्स लेने हैं और चारों कॉर्नर्स में लगा देना है। और इतना करने के बाद आपको ये वाला जो आपने, उसके बाद आपको एक सेल्फ लेना है और उसको उल्टा करके इस तरह से लगा देना है, क्योंकि ये हमारा ऊपर का पार्ट होगा, इसलिए जब हम उल्टा करेंगे तो ये खुद ब खुद सीधा हो जाएगा। अब हम लोगों ने लिया है 2 मिडिल साइज की पाइप्स, इसको कनेक्ट करना है यहाँ पर। सेल्फ लग गया और अब सेम प्रोसेस को आपको जब तक ये सारे सेल्फ लगकर ख़त्म नहीं हो जाते तब तक रिपीट करते जाना है, जिस तरह की मैं कर रही हूँ सेम प्रोसेस। और आपको जैसा कि मैंने बताया था, ये वाला ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये जो लंबा वाला पार्ट है हमेशा ऊपर रहना चाहिए। फटाफट से इन्हीं दोनों सेल्फ की तरह सारे सेल्फ को कंप्लीट कर लेते हैं। हम लोगों ने लगभग सारे सेल्फ्स को लगा दिया है, अब यहाँ पर लास्ट सेल्फ्स लगाना बाकी है, इसे भी हम लोग अब कनेक्ट कर लेते हैं और अब आपको दिखाते हैं कि अगला प्रोसेस क्या होगा। तो फटाफट से पहले तो कंप्लीट किया जाए। और इसको लगाते वक्त ध्यान रखिएगा कि आप लोग उसमें ज़्यादा प्रेशर इस कनेक्टर्स में ना डालें, क्योंकि कनेक्टर्स टूट भी सकते हैं। सारे सेल्स लग जाने के बाद अब इसे हम लोग उल्टा देते हैं, और उल्टाने के बाद इसका ये रहा फाइनल लुक। अब आपको पता चल रहा होगा कि मैंने इसको उल्टा करके क्यों लगाया था। नेक्स्ट हमें इस पर लगाना है ये क्लॉथ, तो पहले तो इन चैन को ओपन कर लेते हैं ताकि हमें इसे लगाने में ज़्यादा आसानी हो, वरना चैन बंद रहने की वजह से कभी कभी होता है कि बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है और हम लोग को प्रॉब्लम होने लगती है। सो हियर इट इज़ कम्प्लीटेड। अब इसका कॉर्नर को आप चेक करते हुए इसको अच्छे से फिट कीजिए, जैसे कि मैं कर रही हूँ। ये देखिए कितना शानदार लग रहा है ये वार्डरोब। यहाँ पर तो हमें 6 सेल्फ्स देखने को मिलता ही है, बट साथ ही साथ इसमें एक और चीज़ भी दिया गया है, जो कि है ये। यहाँ पर साइड पॉकेट्स है जिसके अंदर आप खुद को चीज़ें रख सकते हैं, और ये देखिए इसके अंदर से मुझे एक और चीज़ मिला है। आई डोंट नो इसका यूज़ किया है, बट इसमें है ये। और एक और चीज़ें हैं, इसको यदि आप फोल्ड करना चाहो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि कोई हमेशा इस तरह करके नहीं यूज़ करेगा, उठा कर रखना चाहेगा, तो उसके लिए भी है इजी प्रोसेस। सिंपली यहाँ पर दिया हुआ है, एक चिड़चिड़ी टाइप की लगी हुई है,
कुछ इस तरह से आप इसको लगा दीजिए और ये हमेशा ऊपर रहेगा। तो देखा दोस्तों आपने कितने इजी तरीके से बन गया हमारा ये 6 सेल्फ का वार्डरोब। एंड आप लोग भी इसको बहुत ही इजीली इसी तरह से सेट कर सकते हो जिस तरह मैंने किया। स्टेप बाय स्टेप मैंने सारा कुछ आपको बताया। और अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो इसका बाय लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप इसे अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह से भी बाय कर सकते हैं। बेस्ट बाय लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये सेल्फ कितना पसंद आया। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।